जिस प्रकार से चाइना ने भारतीय सैनिकों पर गद्दारी के साथ, फ्रॉड के साथ हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया और उन डंडों पर लोहे की कील लगाकर उनको रात को बुलाकर जिस प्रकार से उन पर हमला किया, उसमें हमारे एक कर्नल और 19 सैनिक हमारे देश के मारे गए। उनको हमने सबसे पहले अजमेर कलाकार मंच द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद में चाइना ने जिस प्रकार से दोगला नीति उसकी और दोगला व्यवहार जिस प्रकार के चाइना का है, जो हमेशा 1962 की रट लगा के बैठा है, उसे मालूम नहीं है कि भारत 2020 का भारत है। अब जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे सैनिकों पर हमला किया, कायरता से हमला किया, उसका हम जरूर बदला लेंगे। उसी को लेकर आज हमने चाइना के सामान का बहिष्कार और उसका पुतला दहन यहाँ पर फांसी पर लटका कर चाइना के राष्ट्रपति को यहाँ पर लटका के रखा। और पब्लिक ने उस हमें उस जोश के साथ, उस गर्व के साथ हमें महसूस कराया कि चाइना का सामान का हम बहिष्कार करते हैं, चाइना के सारे सामग्री का हम इंडिया में नहीं आने देंगे। और अब चाइना को ये सबक सिखा के रहेंगे, आर्थिक और हमारे सैन्य बल के माध्यम से ये दिखाएंगे कि भारत अब 2020 का भारत है, 62 का भारत नहीं है। हम इसकी चीन को भी लेकर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, देश की 130 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है। अगर आवश्यकता हुई तो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये जनता चीन के साथ लड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। गोपाल बंजारा।